कब तक अपने कमरे का दरवाजा बंद किए अंदर बैठी रहेंगी? कभी तो बाहर आएंगी ना, और अपनी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अमान प्लीज रहने दे, माफ भी कर देना। आपने उनकी सारी फैसिलिटीज तो उनसे छीन ली है। चले यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब घर के काम और सर्वेंट क्वार्टर में रहना, नहीं अमान, ये मुनासिब नहीं है। ये औरत तो अच्छे दिल की है, मॉम की सिफारिश कर रही है, जबकि मॉम तो इससे नफरत करती है। तुम उसे नहीं जानती जुबी, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। वो बहुत चालाक औरत है, उसके दिल में हम सबके लिए कीना है। उसे झटका देना बहुत जरूरी है, वरना ये बाज नहीं आएंगी। और अब तो ये जख्मी नागिन की तरह हो गई है, जो शायद डसे बिना चैन से नहीं बैठ सके। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें भी सही से जानती नहीं है, तो आप अंकल को प्लीज करने दे जो वो कर रहे हैं। वरिषा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। डैड बोलो। डैड वो मुझे आज कुछ जरूरी काम है, 2 दिन से निकला नहीं हूं, लेकिन आज जाना पड़ेगा प्लीज। कैसा काम? डैड आपको बताया तो था, दोस्त के साथ मिलके मैं काम कर रहा हूं, तो जाना पड़ेगा मुझे आज। ठीक है, वरिषा से पूछ लो। कैसे लाचार खड़ा है, लेकिन मैं तो इससे भी बुरी हालत चाहती हूँ तुम्हारी। अच्छा चले जाओ, वैसे भी आजकल मैं ऑफिस पे हूँ, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ेगी फौरन बुला लूंगी तुम्हें, कॉल कर दूंगी। थैंक्स, बाय डैड। जिब्रान मुझे बहुत सुलझा हुआ लड़का लगता है, लेकिन फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करता है? तुम सही कह रही हो जुबीर, जिब्रान बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन शाजिया ने इसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर के इसे उकसा दिया। बस आज तो ड्रॉप सीन हो जाएगा जिब्रान, तुम ना बस तैयार रहना, मैं किसी टाइम भी आ सकती हूँ। और बताओ तुमने मेरे लिए रूम तो ठीक करा लिया ना? मैंने रुशना से इतने वादे तो कर लिए, मगर इन्हें पूरा कैसे करूंगा? घर के जो हालात चल रहे हैं ना, अपना रहना मुश्किल हो गया, इसे कहाँ रखूंगा? जिब्रान क्या हुआ है, कहाँ खो गए हो? अब हाँ रुशना, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ, एक पार्टी की कॉल आ रही है। ठीक है। क्या करूँ, इसे डाल देता हूँ किसी भी तरीके से, या कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। वक्त को छोड़ने का दिल भी तो नहीं जाता। ऐसा करता हूँ आशीष से कह के इसका कोई अपार्टमेंट ले लेता हूँ, इसके पास तो कई फ्लैट हैं जो खाली भी पड़े हैं। हाँ ये ठीक है। हाँ रुशना बोलो। जिब्रान देखो मैं रहने के लिए आ रही हूँ, मेरे लिए रहने का बंदोबस्त कर देना। रुशना रुशना रुशना, तुम तो मेरे दिल में रहती हो, तो रहने की क्यों फिक्र कर रही हो? अच्छा देखो फिल्मी डायलॉग ना बोलो, मैं बहुत सीरियस हूँ। अरे हाँ भाई, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बस 2-4 रोज में ना असद मुझे तलाक दे देगा। मैंने ना उन सबका जीना हराम कर दिया है, वो अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे उसके घर वाले मुझे। बस जिब्रान जो मैंने कहा है ना वो तुम कर लेना, मेरे रहने का बंदोबस्त कर लेना। हाँ बेफिक्र रहो, अपना ख्याल रखना, बाय, खुदा हाफिज़।